कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है जो युवा के प्रति या कोई भी? देखिए आप कोई से गांव में चलो, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। अच्छा। भगवान का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बाकी देख। हाँ थोड़ी जी परेशान हो जाए, कर दे स्टार्ट कर दे जाए। ताली पीट दो रहा रुज। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। किवाणा गांव में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ जिला परिषद उम्मीदवार डोडपुर से जो है रजनीश छोकर मौजूद है, उनसे उबरू करवाएंगे और गांव के जो सरपंच पद के उम्मीदवार है किवाना से उनसे भी बातें करेंगे। आखिर यहाँ रेस प्रतियोगिता करवाई गई है, खेल आगे क्या रहेगा, प्लान इनकी भी रेस है काफी कुछ टाइम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक है जी। हाँ ठीक है। काफ़ी लेट कर दिया यहाँ पे, बस वो एक्चुअली टाइम मेरे पास 2:30 बजे का ही आया था तो फिर थोड़ा लेट हो गए जी आने में। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो बात करेंगे अभी यहाँ पर जो रेस प्रतियोगिता करवाई गई है हमारे युवा साथी है, क्या कहना चाहते हैं जो रेस के हिसाब से आप इनको क्या कहते हैं भाई, रेस करने से फायदा होता है कंपटीशन करवाना है? देखिए रेस की नहीं, खेल खेल कोई सा भी कोई भी हो भाई, ये बच्चों को खेल में प्रोत्साहन मिलता है आगे जाके, बच्चे कोई भी हो जॉब हो तो सबसे पहले तो खेल ही होता है, खेल से ही बच्चे मजबूत होते हैं आगे जाके और मजबूती मिलती है सारी चीज़ों में, तो हम तो बच्चों को कहते रहते हैं अभी खेल लो कूद दो। तो अभी चुनाव की बातें कर ले, काफ़ी अभी आपकी भी रेस है गाना उस तरह की रेस होती है इस चीज़ में चुनाव में, तो कैसा माहौल दिख रहा है और किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? आप यहाँ पर मिले हो, काफ़ी टाइम बाद मिले हो जरा। देखिए माहौल तो जी आपको ज़्यादा पता होगा, आप घूमते हो जी नहीं, कैंडिडेट हो तो अच्छा लगता है माहौल बिल्कुल नहीं, हमें पता भी करेंगे, मेरा इरादा भी है जो अपने वार्ड है जितने भी पानीपत के वहाँ पर जो है देखना, और हम चाहते हैं कि अब की बार अच्छी पंचायत चुनी जाए क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी समस्या होती है बड़ी भी होती हैं वो लोगों के बीच में आने वाले 5 साल में ना रहे जी। कैसे तैयारी चल रही है, कैसे दौर चल रहे हैं या अभी शांति है? अभी देखिए समस्या तो चलती रहती है लेकिन हमारा जहाँ तक इरादा है समस्याओं का समाधान करेंगे, जो भी छोटी मोटी समस्या होगी सब भाई चैनपाल है और भी गांव के। मतलब कैसा लग रहा है आपके गांव में, वार्ड नंबर 8 है ना? 8 और 8 ही गांव आते हैं मेरे ख्याल में, 9 गांव आते हैं। तो कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है जो युवा के प्रति या कोई भी? देखिए आप कोई से गांव में चलो, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। अच्छा। है भगवान का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बाकी देखे समाते क्या होता है। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ आपकी बहुत ही अच्छी लगी, अपने मुँह से बड़ाई तो करनी चाहिए क्योंकि लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख भी रहा हूँ कि आप जो है समाज सेवा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो टाइम पर आकर के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपके ये काम करेंगे, लेकिन आप काफ़ी टाइम से लग रहे हो कि आपको पूरा मतलब लोगों का सहयोग मिलेगा चुनाव में भी या? देखिए 36 बिरादरी का पूरा सहयोग मिल रहा है और आप देख भी सकते हो हम कोई नए नहीं हैं, यहाँ पे वार्ड 8 में ले लो या कहीं पर ले लो आप, पूरा कहीं पर हम तो जो भी बच्चे होते हैं या कोई भी हमको बुलाता ना किसी भी घड़ी में हम वहाँ खड़े मिलते हैं। बिल्कुल भाई, तो ये हम राजनीति नहीं करते, हम तो समाज सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वीडियो ना शेयर कर दियो, कमेंट में बताना आपने सभी ने जो जिला परिषद वार्ड नंबर 8 से हैं रजनीश छोकर किस तरह के नेता हैं और कैसी इनकी अभी तक कार्य जो प्रणाली है किस तरह से चल रही है, और हमारे साथ गांव किवाना के सरपंच पद के उम्मीदवार चैनपाल छोकर इस वक्त मौजूद है, काफ़ी उम्मीदवार है लेकिन हमारे साथ अभी ये जो डटे हुए हैं सुबह से वो ही हमको मिले हैं जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। और क्या बताना चाहते हैं अभी आज गेम करवाए हैं? सबसे पहले तो खेल स्टेडियम किवाना में अंडिया हरियाणा का आने का स्वागत है, और जो ये युवा देख रहे हैं वह सुबह से डटे खड़े हैं सब यहाँ, रजनीश जी भी आए हैं, भाई रजनीश जी भी आए हैं अभी, हर नेता ने हर भाई ने सहयोग कराया है, हर बच्चे का साथ है और युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी है, तो युवा जब आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, तो युवा है तो सबसे सब कुछ है, और युवा अगर खेल में अपना योगदान देगा तो नशे से दूर रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नौकरी की तरफ बढ़ेगा,
तो खेल तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल जी, गांव में काफी घूमता भी हूँ मैं, आपने एक ट्रैक्टर भी छोड़ रखा है सिपाही के लिए, वो तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि गांव का कूड़ा करकट है जो गांव में जो नाली में भी धकेल दिया करे थे, तो काम नहीं होता, सिंपल सी बात। देखो कहीं ना कहीं जो भी चीजें हम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फायदा ही है, तो जो कूड़ा करकट था पूरे गांव में था तो अब एक जगह डाल देते हैं तो उसका फायदा ही है। जैसे कहीं लेडीज अकेली थी घर में, तो हमारे जो दादी थी या चाची थी ताई जो भी बुजुर्ग थे वे बाहर नहीं जा सके थे, तो इसलिए हमने सोचा वो सामाजिक काम है और सबके लिए, सबका डेली का काम है, रोजमर्रा का काम हमारा, तो इसलिए हमने सोचा है तो हम अपने बड़ों के लिए क्या कर सकते हैं, तो अच्छा लगा तो किया हमने जी। काफी अच्छा काम कर रहे हैं गाँव में, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स है, लाइक और डिसलाइक भी है, और सभी ने अपने निर्णय देना है किस प्रकार के नेता है, बाकी ये अपने आप पढ़ भी लेंगे। बिल्कुल जी, और कुछ खास आप बताना चाहते हो अपने वार्ड के और अपने गांव के, आप बताइए। बस खास तो यही है जी, अपना आशीर्वाद दो तो बाकी हम जब भगवान सुनेगा तो काम करके दिखाएंगे। तो काम किया है, काम करेंगे जी। जी बस काम तो जो किया है जी वो देख रहे हो आप, बाकी हम तो आशीर्वाद मांग रहे हैं, जो आशीर्वाद मिलेगा तो काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, काफी टाइम दिया आपको, और धन्यवाद जी, आप भी कुछ एक दो शब्द आपके गांव वालों को। बस गांव है तो सब कुछ है, पूरा गांव इकट्ठा है यहाँ, तो गांव में सुख शांति रहे और मेरे युवा भाइयाँ जो ये खेल की तरफ अपना ध्यान अग्रसर करते रहे और अच्छी तरह अपना तैयारी करके सरकारी नौकरियों पर लगे, तो यही उम्मीद है छोटे भाइयों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही युवा सोच, यंग सोच, और कमेंट करिए, शेयर करिए भाई। और एक बार रुक जाएंगे, थम ना भाई वीडियो ना, एक बार दिखा दे पहले ना, जितने भी आ रहे युवा बाहर से भी आ रहे हैं काफ़ी भाई, तो आप सभी देख सकते हैं काफ़ी जो गेहूँ में। बिल्कुल, कौन सी टीम आपकी यहाँ पर जीती है जो 1600 मीटर है, ये और बता दीजिए भाई। टीम तो ऐसा है, मैनेजमेंट में जो रिकॉर्ड है वहाँ उन्होंने पता है, तो टीम का तो अभी प्रॉपरली वही बता पाएंगे, तो कौन कौन सी है अभी रह रहे हैं, अभी तो आधे गेम हुए आधे रह रहे हैं अभी तक, तो अच्छा तो फिर लिस्ट में पता लगेगा उसका तो अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो लिस्ट भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी। तो धन्यवाद जी, कैसा इंटरव्यू आप कमेंट बॉक्स में करिए और शेयर करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत माता जी।